हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूबीज होम स्टूडियो। आज मैं आपसे मेरे स्किन के रूटीन शेयर करूंगी जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। ये मेरा डे में जो मैं यूज़ करती हूँ वो स्किन केयर है मेरा। और मैं आपको जो कल वीडियो शेयर करी थी वो मेरा नाइट टाइम का स्किन केयर रूटीन है। चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं ये क्यों यूज़ करती हूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरे स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे हार्मोनल इशू की वजह से। तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करी जिसमें केमिकल बेस्ड रहते हैं और हमारे स्किन में कैसा भी रिएक्शन होता ही है। तो मैं बहुत पहले ब्लेंडेड ड्रॉप ब्यूटी का रोजमेरी ऑयल यूज़ करी थी जो स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है और अपने स्किन में बहुत अपने स्किन अगर आपको अपने स्किन के लिए एक रेडिएंट ग्लो चाहिए और आपके स्किन में आप बहुत अच्छे से आप चाहते हैं कि ग्लो रहे और आपके स्किन में आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं आप वो फेड हो जाए और आपके स्किन में एक अलग से हाइड्रेशन आए और आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लोई दिखे, जैसा कि आप नो मेकअप भी अगर आप करें तो आप बहुत अच्छा लगे आपकी स्किन, तो आप ये आपके डेली रूटीन में आप रोजशिप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेंडी ड्रॉप ब्यूटी का रोजशिप ऑयल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और हेम्प सीड कैरियर ऑयल मैं अपने पिंपल्स के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे थोड़े से पिंपल्स थे फेस पर जिसकी वजह से मेरे फेस पे वो पिंपल्स मेरे जा रहे ही नहीं थे। बोलते हैं ना एक जिद्दी वाले पिंपल्स रहते हैं, वैसा था। तो मैं जब ये ऑयल यूज़ करी तो मेरे पिंपल्स पूरे कंट्रोल हो गए हैं और मुझे एक भी पिंपल नहीं आया है। और आप ये तुलसी हाइड्रोजल मैं अपने पिंपल्स के लिए ही यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरे स्किन के पिंपल्स भी कंट्रोल हुए हैं और मेरे स्किन में एक ड्राइनेस जो थी वो चली गई है, डलनेस चली गई है। आप ये तीन प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं पहले अपना जैसा कि मैंने आपको कल मेरा फेस वॉश बताया था पिलग्रिम्स का, मैं वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये टोनर यूज़ करती हूँ। उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स मैं ये हेम्प सीड ऑयल यूज़ करती हूँ। सिर्फ 2 ड्रॉप्स आपके स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये कोई पेड रिव्यू वाला नहीं है वीडियो, ये मैं अपना पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, आप यूज़ करिए। और रोजशिप ऑयल मैं रोज़ नाइट में यूज़ करती हूँ, अल्टरनेट डेज यूज़ करती हूँ, सिर्फ 2 to 3 hours के लिए यूज़ करती हूँ। आफ्टर 8 या 9 मैं लगाती हूँ, फिर 1 o'clock को मैं इसे वॉश कर लेती हूँ, 1 or 2 o'clock को मैं वॉश कर लेती हूँ नाइट में। तो आप लोग भी अगर आप नाइट में कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, ये मुझे तो ये मेरा फेवरेट है ब्लेंडी ड्रॉप ब्यूटी में रोजशिप ऑयल, क्योंकि ये मेरे स्किन में बहुत अच्छा ग्लो दिया था जब मैंने यूज़ किया था। तो मैं अगर आप चाहे तो इसके बाद 1 ड्रॉप आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों के अलग अलग फ़ायदे देखना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करिए। आप उसके बाद में नाइट में कभी ही आप ये यूज़ कर लीजिए, लेकिन आप इसके बाद सनस्क्रीन लगाइए। कैसा भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए आपको, आप नहीं भी लगाए तो चलता, लेकिन लगाना चाहिए। यह आपके स्किन में दिखेगा भी नहीं कि आप ऑयल लगाए जैसा, ये आपको पूरा आपको स्किन में महसूस भी नहीं होगा आपको, इसकी इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। और ये बहुत एकदम प्योर, अगर आपको कोई भी ऑयल आप चाहते हैं आपको प्योर मिले, आपको बहुत अच्छे से मिले, तो आप ब्लेंडेड ड्रॉप ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे इनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं और एकदम प्योर और नेचुरल ऑर्गेनिक मिलता है इनके पास, जो भी आप चाहें। जैसे कि आपको रोजमेरी ऑयल चाहिए या आपको कुछ भी पाउडर्स वगैरह चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे रिव्यू ज़रूर देना। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।